भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है उज्ज्वला स्कीम। उसके अंतर्गत सारे देश में सिलेंडर बांटे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में भी मेरे द्वारा, और जहाँ मैं सोच रहा हूँ वहाँ भी सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। तो मोदी जी की ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, और अधिक से अधिक कैसे हों, और जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकें। इस बार तो मोदी जी ने लक्ष्य को पार करने का संकल्प लिया है कि जो हमारा लक्ष्य था उस लक्ष्य को पार करके हम माताओं की सेवा कर सकें, गैस सेंसर बांट सकें। उसी आधार पर आज के दिन सारे देश में बहुत अच्छी तरह से गैस सिलेंडरों का वितरण हो रहा है। हमारे उन्नाव जनपद में कोई भी गैस एजेंसी ऐसी नहीं होगी जो 100-150 गैस कनेक्शन न बांट रही हो। यहाँ आप बैठे हैं यही 150 गैस कनेक्शन बांट रहे हैं, मुझे अभी 3-4-5 जगह जाकर और बांटने। इस प्रकार से ये मोदी जी की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है, समाज कल्याण की है, माताओं के उद्धार की है। माताएँ अगर बिना गैस के खाना बनाती हैं चूल्हे पर तो उन्हें बहुत परेशानी होती है, धुआं होता है, आँखों को पीड़ा होती है। सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए मोदी की योजना है, और मुझे लगता है कि इस योजना में जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को हम लोग पार करने जा रहे हैं। लोहा कांड में तो राहुल गांधी को सारे राष्ट्र से क्षमा मांगनी चाहिए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, 2014 का प्रकरण है, जजमेंट आया है, उस जजमेंट में साफ स्वाभाविक मृत्यु को दर्शाया गया है, और राहुल गांधी उसको नई दिशा देने का प्रयास कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये अमित शाह को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी किया है, इसके लिए इस गलती के लिए राहुल को सारे रास्ते चलना। देखो उन्नाव में जो प्रकरण हुआ, पहले तो उसकी निंदा करता हूँ, परंतु आज तक किसी केस में इतनी गति से काम नहीं हुआ होगा। जैसे योगी जी को पता चला, FIR दर्ज हुई, तुरंत SIT गठित हुई, 7-8 घंटे में SIT की रिपोर्ट आ गई, और 5 मिनट में सारे का सामान मामला CBI को दे दिया गया। अब CBI इस केस की जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी करेगी, इसलिए इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता।